महाराष्ट्रामधून ज्यांना इथे येऊन मशी खरेदी करायची आहे हा येऊ शकतात, इथे खरेदी करू शकतात, कुठलीच अडचण येणार नाही याची खात्री पक्की आहे. अच्छा, कुठलीच अडचण येणार नाही राहण्याची, आपल्या जेवणाची काळजी घेतात भरपूर, चांगला व्यवहार आहे त्यांचा. अच्छा, असं भिण्याची काही गरज नाही, सरळ येऊ शकतात. देखे 1,12,000 रुपये की जोटी दी है, 14-15 किलो दूध तैयार है इसमें, ये देखे, और साथ में इसके कटड़ी है, और एक ये जोटी खरीदी है भाई साहब ने 1,15,000 रुपए की, ये देखे. सभी साथियों को राम राम जी, नमस्कार. आज एक बार फिर से वीडियो लेके आ रहे हैं जी राज डेयरी फार्म से. ये भाई साहब आए हुए अपने पास लातूर, लातूर के पास जो जलकोट जो जिला है ना भाई साहब अपना, तो महाराष्ट्र में जैसी तालुका कौन सी अपनी, तालुका जलकोट, डिस्ट्रिक्ट लातूर. डिस्ट्रिक्ट लातूर है. तो कितना पशुधन खरीदा भाई साहब आपने राज डेयरी फार्म से? 6 भैंस और 1 बुल. 6 भैंस और 1 बुल खरीदा है. तो कितने दिन हो गए भाई साहब आपको इधर आए हुए? शनिचर से, शनिवार को आए थे, आज बुधवार हो गया, तो 3-4 दिन हो गया आपको. तो कैसा लगा भाई साहब इधर का सिस्टम आपको? बहुत अच्छा लगा, आपका व्यवहार भी अच्छा लगा, कोई फंसाने वाला बात नहीं है. अच्छा, जो बात बोलेंगे वही बात से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं. जैसा सोच के आए थे वैसा मिला या नहीं मिला आपको इधर? अच्छा, कोई फंसाने वाला काम एक भैंस में फंसा लिया हो? ऐसा कुछ नहीं. अच्छा, सभी बढ़िया भैंसे खरीद दी आपने? कितनी भैंसे देखी आपने उसमें से? आपने सिर्फ 6 भैंस और 1 बुल खरीदा? 25 भैंस देखा है. 25 भैंसों में से कम उम्र का देख के जो अच्छी लगे वो ले सकते. ये देखिए जी, सीधा किस सीधा किस को भी समझ में नहीं आ रहा है भैंस तो ये बता देंगे आपको. अच्छा, नहीं नहीं देखो, जो कमी होगी वो जरूर बताएंगे भाई साहब. देखो वो भैंस में कमी होगी. और जैसे अपने जो महाराष्ट्र के भाई है उनको इधर का जो सिस्टम कैसा है थोड़ा अपनी मराठी भाषा में बताओ. महाराष्ट्र मधून ज्यांना इथे येऊन मशी खरेदी करायची आहे हा येऊ शकतात, इथे खरेदी करू शकतात, कुठलीच अडचण येणार नाही याची खात्री पक्की आहे. अच्छा, कुठलीच अडचण येणार नाही राहण्याची, आपल्या जेवणाची काळजी घेतात भरपूर, चांगला व्यवहार आहे त्यांचा. अच्छा, असं भिण्याची काही गरज नाही, सरळ येऊ शकतात. तो इधर कैसे पोहोचे भाई साहब आप? मैं नांदेड़ से दिल्ली आया, दिल्ली से. नहीं नहीं, जैसे मुकरामाबाद भैंस देख के आई थी जो अपनी भैंस गई थी आपने, जिस जिस को भैंस दी है. हाँ हाँ, कम से कम 4-5 ऐसे डेयरी फार्म वाले से मिला. हाँ, आपका व्यवहार के बारे में बताया, फिर इधर आया. पहले वहाँ पे अपने बारे में मुकरामाबाद थोड़ा पता किया, गया था जिस जिस को आपने भैंस दी है. 2-4-5 देखो जी, वहाँ पे अच्छी भैंस गई तभी दोबारा भैंस लेने के लिए आए हैं भाई साहब. तो एक विश्वास दिया जी राज डेयरी फार्म ने, तभी देखो बार बार कस्टमर आ रहे हैं. ये नहीं भी एक बार कर लेंगे दोबारा कोई नहीं आएगा. देखो इधर तो ठीक है जी भाई साहब, आज शाम को आपकी गाड़ी लोड कर रहे हैं ना? ठीक है, नमस्ते भाई साहब. अपना नाम बताएं भाई साहब. शरद. आप भी इनके साथ में आए हो? हाँ, ठीक है भाई साहब, ओके. एक तो ये भैंस खरीदी है जी, ये जोटी देखे, 1,12,000 रुपये की जोटी दी है, 14-15 किलो दूध तैयार है इसमें, ये देखे, और साथ में इसके कटड़ी है, और एक ये जोटी दी है भाई साहब को 1,10,000 रुपये की. ये दी है 14-15 किलो दूध इसमें तैयार है जी. और एक सबसे बड़ी चोटी ये दी है जी, 17-18 किलो दूध तैयार है इस चोटी में, बहुत हाइट लंबाई ऊंचाई की है, 1,25,000 रुपये की दी है भाई साहब को. और इनके जो बच्चे हैं ये देखे पीछे बैठे हुए हैं, उधर जो एक और वीडियो भी बनाई है जी, जो सांगड़ी से भाई साहब आए हुए हैं अपने पास में उनका भी. और ये जो भैंसें देख पा रहे हैं इस साइड की, ये जाएगी बेंगलोर में, 2 तो ये भैंस ऑनलाइन जा रही है, और एक ये जोटी. इनके अभी 3 भैंसों की कमी है, जिस टाइम पे सभी भैंसें इकट्ठी हो जाएगी पूरी वीडियो बहुत जल्द लेके आएंगे. और एक ये जोटी खरीदी है भाई साहब ने 1,15,000 रुपए की, ये देखिए. ये जाएगी सांगली जाएगी है, एक ये खरीदी जी 1,18,000 रुपए की जोटी खरीदी जी, पूरी हाइट लंबाई ऊंचाई की जोटी है, लगभग 17-18 किलो दूध तैयार है, 1,18,000 रुपये की जोटी खरीदी है. और ये खरीदी जी 1,20,000 रुपये की, 15-16 किलो दूध तैयार है जोटी में भी. तो देखो जी, साफ सुथरे पशुधन खरीदे हैं भाइयों ने, और एक बुल भी खरीदा है, वो भी आप भाइयों को मैं दिखाना चाहूँगा. ये आए थे अपने पास जलकोट लातूर से, और दूसरी वीडियो जो सांगड़ी से भाई साहब आए हुए हैं, और दो दो तीन तीन टाइम दूध निकाल के सभी भैंसों का, फिर ये भैंसें खरीदी है जी. और एक बुल जो आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा मैं आपको,
और हुबली कर्नाटक से भाई साहब आए हुए हैं गायों के लिए, आज उनका खरीद स्टार्टिंग करेंगे। और एक ये बुल खरीदा है जी शेरू, ये देखिए जी बिल्कुल सर्विस स्टार्ट कटड़ा है जी, बहुत बढ़िया भैंस का कटड़ा खरीदा भाई साहब ने, 68,000 रुपये का कटड़ा दिया भाई साहब को, बिल्कुल सर्विस स्टार्ट चालू है कटड़ा। और ये बुरी जोटी बेंगलोर जाने के लिए तैयार है जी, और ये गाय भी जाएगी बेंगलोर में। तो भाई साहब खुद अपनी तसल्ली करके अपने बारे में पूछा, महाराष्ट्र में कैसा व्यवहार है, अच्छा लगा तभी देखें राज डेयरी फार्म पे विजिट किया भाइयों ने। तो हर भैंस का जो रेट बताया जी, ये जा रही आज शाम को लोडिंग करेंगे। तो राज डेयरी फार्म गांव मिंगनी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा में है। किसी भाई साहब को अच्छे पशुधन खरीदने तो आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर पूरी वीडियो में स्क्रीन पे चल रहे हैं। गायें भैंस कटड़ी प्रेगनेंट भैंसें लेनी हो किसी भाई साहब को तो भी आप बता सकते हैं। तो ठीक है जी, सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल।